सिंह जी को बताना चाहता हूँ, हमारे जनजाति बेटा बेटी बैगा जैसे समाज के बेटा बेटी भी 400 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट और जेई मेंस के माध्यम से सफल हुए हैं। हमने उनकी विशेष कोचिंग कराने की का हमने प्रयास किया था और उनकी सारी फीस मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो और चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इनकी सारी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाते। कौन भरवाता है? अरे कौन भरवाता है? मामा भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। लेकिन ये एक बात में मात खाते थे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी के कारण परेशानी होती थी और कई बच्चे छोड़ जाते थे। और इसलिए मध्य प्रदेश ने एक नई क्रांति शुरू की है, अपने प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी ताकि मंडला डिंडौरी के बच्चे पीछे नहीं। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? चोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई होगी ताकि हमारे ट्राइबल बेटा बेटी भी, हमारे बाकी गरीब बेटा बेटी भी, किसान बेटा बेटी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सफल हो सके। मध्य प्रदेश में हमने करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। एक और खुशखबरी आपको देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम नितिन जी को सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम मनाया जाएगा और उसी दिन से मध्य प्रदेश की धरती पर सामाजिक समरसता के साथ पेशा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। सबकी भावनाएं ध्यान में रखते हुए हम उसको लागू करने का काम करेंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज की हमने टेंडर बुलवा लिए हैं और जल्दी अब मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए भी हम लोग यहाँ आएंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम, टूरिस्ट सर्किट एक बना रहे हैं, मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के अलावा हमारा पुरातन स्मारक, रामनगर का किला, सहस्त्रधारा और अन्य प्राचीन स्थानों को जोड़ते हुए टूरिज्म का हम सेक्टर यहाँ पर तैयार कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आए और रोजगार के अवसर पैदा करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज इतनी बड़ी सौगातें लेके हमारे आग्रह को स्वीकार करके नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं, इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए। अब हम उनको ही सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और तेज गति से विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की।